हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल के बारे में बताने वाली हूँ। तो पहले तो फ्रेंड्स, हमें जिस दिन हमारा प्रैक्टिकल हुआ था उस दिन 10:15 को बुलाया गया था कॉलेज में। तो अप्रॉक्सीमेटली 10:30 को हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया था। तो उसमें पहले क्या हुआ था फ्रेंड्स, हमारे बैच में टोटल जो मेरी बी बैच थी तो उसमें टोटल 21 स्टूडेंट थे, और जो स्पॉटिंग होने वाली थी तो उसमें टोटल 15 स्पॉट्स रखे गए थे। तो पहले क्या किया था कि जो 15 स्टूडेंट थे पहले, जिनका यूनिवर्सिटी रोल नंबर फर्स्ट था, तो उनको पहले 15 स्टूडेंट को बुलाया गया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मतलब ऐसे हर एक स्पॉटिंग के लिए एक मिनट, ऐसे टोटल 15 मिनट्स तक उनका स्पॉटिंग हुआ। तो फ्रेंड्स, स्पॉटिंग में जैसे चीज़ें रखी थी, जैसे मैंने आपको पहले भी जो इसका था एनाटॉमी का, उसमें भी बताया था कि जो भी वहाँ पे चीज़ रखी गई थी उसको हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी है। जैसे कि उसमें लेंस रखा गया था, बाद में उसका यूज़ बताना था, बाद में WBC डायल्यूटिंग फ्लूड रखा गया था, मतलब एक बॉटल थी उसमें ऐसे दो अलग अलग रखा गया था, एक में WBC डायल्यूटिंग फ्लूड था और दूसरे में जो है NTD था। बाद में एक पाउडर फॉर्म में वहाँ पे सल्फर पाउडर रखा गया था। नेक्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क था, वो मतलब कौन सा है वो मतलब फाइंड आउट करना था, और उसका यूज़ क्या कर सकते हम वो यूज़ मतलब बताना था। नेक्स्ट था स्काल्फ वेन सेट, उसके बाद लिटमस पेपर रखा गया था, WBC पिपेट था, RBC पिपेट था, थर्मोमीटर था, HB पिपेट था। ऐसे टोटल फ्रेंड वहाँ पे 15 चीज़ें रखी गई थी। उसके बाद में क्या हुआ, पहले जो मतलब 15 स्टूडेंट थे उनका वाइवा होने के बाद हमारा नंबर आया। हम बाकी बाद में सिर्फ 4-5 स्टूडेंट बचे थे, बाद में हमारा भी वाइवा हुआ। उसके बाद में क्या हुआ फ्रेंड कि हमें जल्दी से मतलब उन्होंने वो जो स्पॉटिंग के लिए पेपर दिया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉडर्न मतलब एनाटॉमी में हमें जैसे एक पेपर दिया था, तो उसमें स्पॉटिंग का ऐसे जैसे सीक्वेंस डालना था हमें वहाँ पे ऊपर में, मतलब जो भी फर्स्ट पेज रहता है फ्रंट पेज, उसमें ऐसे क्या क्या मतलब वो स्पॉटिंग में हमें क्या क्या लिखना है। तो पहले वो बोर्ड पे कुछ ऐसे लिखा हुआ रहता है, उसको हमें फ्रंट पेज पे वैसे के वैसे लिखने को बोलते हैं वो, मतलब ये इसके लिए इतने मार्क्स रहते हैं, इसके लिए ऐसा टाइप्स, और उसमें ऊपर सबसे मतलब जो भी हमारा यूनिवर्सिटी रोल नंबर है उसको ऐसे नंबर में, और जो जो भी हमें वर्ड्स है उसमें लिखना पड़ता है, और जो सेंटर है हमारा, सेंटर तो प्रैक्टिकल का हमारा कॉलेज में ही आया था, तो वो सेंटर भी वहाँ पे लिखना पड़ता था, नाम लिखना पड़ता था, ऐसे कुछ मतलब फ्रंट पेज पे लिखना पड़ता है। और जैसे ही स्पॉटिंग ख़त्म हुई तो वो पेपर वहाँ पे सबमिट करना होता है। उसके बाद में हमें फ्रेंड्स इसके बारे में, जैसे हमें इसका आयुर्वेदिक जो पार्ट था उसका जो भी रिटन फॉर्म में ऐसे एक पेपर दिया था, उसके ऊपर जैसे किसी के ऊपर ऐसे प्रकृति डाला था, किसी के ऊपर सारता डाला था, किसी के ऊपर अग्नि और कोष्ठ, ये चार ही मेन होते हैं इसमें आयुर्वेदिक पार्ट में। तो ऐसे पेजेस ऐसे उल्टे रखते हैं और कोई भी एक पेज हमें उठाने को बोलते हैं, उस पे बस ऐसे नाम डाला होता है, प्रकृति एक के ऊपर, बाद में सारता, ऐसे। तो हमें कोई भी ऐसे एक पेज उठा लेना है और उसको हमने ऐसे फ्रंट करके देखना है कि हमें कौन सा आया है। तो मुझे तो फ्रेंड प्रकृति का आया था, तो मैं मतलब मैंने तो मेरे श्लोक ही लर्न किया था पूरा, जैसे वात पित्त प्रकृति का, तो मैंने पूरा श्लोक ही लिख दिया था। और बाद में मैंने जो चार जो लक्षण रहते उसके, जो चार लक्षण हमने देखे थे ना फ्रेंड्स, रचनात्मक शरीर, रचनात्मक एक लक्षण रहते, क्रियात्मक एक रहते, मन और आयुष्य से संबंधित जो भी लक्षण रहते, और अनुकत्व, ऐसे चार पॉइंट में हमें टोटल वो सब कुछ लिखना था। लेकिन एक मैंने मिस्टेक करी थी फ्रेंड, मैंने पूरा ऐसे थेरी फॉर्म में जैसे लिखते वैसा लिख दिया था, मतलब मुझे क्योंकि वो श्लोक ऐसे फास्ट याद नहीं आ रहा था, तो ऐसे याद कर कर के लिख रही थी, तो उतना टाइम वो देते नहीं हैं, 15-20 मिनट्स अप्रॉक्स देते हैं। तो मतलब ऐसे स्पीड में लिखने के चक्कर में मैंने वो फास्ट में ऐसा लिख दिया था, लेकिन फ्रेंड मुझे सर ने जब मेरा एग्जैक्ट जब वाइवा हो रहा था, तो सर ने जो एक्सटर्नल सर थे उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा ऐसे पॉइंट्स में लिखना चाहिए था, वो मैंने श्लोक वो सब लिख दिया था, इसलिए वो इम्प्रेस हो गए थे ऐसे। लेकिन उन्होंने ऐसे बोला मुझे पर्सनली कि बेटा ऐसे पॉइंट्स में लिखती तो और अच्छा लगता था। उसके बाद में फ्रेंड जैसे ही मैंने आयुर्वेदा का प्रैक्टिकल सबमिट किया,
तो उसके बाद जो मॉडर्न का जो प्रैक्टिकल है वो दिया, और उसमें भी सेम ऐसे ही था फ्रेंड्स, मतलब ऐसे पेजेस रखे थे उल्टे, तो उसमें से कोई भी एक पेज हमें उठाना था, और वो भी मॉडर्न में मोस्टली तो BTCT ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम, उसके ऊपर ब्लड ग्रुप्स के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर, और HbO वाले ज़्यादातर, और यूरिन वाला एक, वो ज़्यादातर वही आ रहे थे कॉमन रिपीटेडली सबको, तो वो आपको अच्छे से करके जाना है फ्रेंड्स। तो मुझे तो ब्लड ग्रुप का आया था, तो वहाँ पे पूरा ऐसे लिखना पड़ता है ब्लड ग्रुप आया तो उसका एपरेटस, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, वो पूरी प्रोसेस लिखनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स मेरी एक गलती हुई थी, मैंने ऐसे 4-5 करे थे लेकिन बाकी के नहीं किए थे, जैसे ब्लड ग्रुप वाला मैंने अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं गई थी, BTCT वाला किया था, HB वाला किया था, यूरिन वाला किया था, तो मुझे आया था लेकिन ब्लड ग्रुप वाला, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेंड कभी गलती से आपको ऐसा हुआ, मतलब कि याद नहीं आ रहा है, तो अब क्या करना है, ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें हम वो परफॉर्म करते हैं हमें पहले प्रोसेस तो पता ही रहती है उसकी, हमने क्या क्या यूज़ किया था, निडल वो सब कुछ वो लिखना पड़ता है, उसमें जो भी सामग्री वो मटेरियल्स में जो भी है उसका यूज़ भी लिखना पड़ता है कैसे क्या, और जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है वो भी। तो मैंने क्या किया था, मैंने उतना मुझे मतलब लिखने में उतना नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया था, जो भी मैंने परफॉर्म किया था पहले तो वही चीज़ें बस लिख दी थी ऐसे ही, और मतलब उसको हेडिंग दे दी थी बस। उसके बाद मैंने जैसे जैसे परफॉर्म कर रही थी, परफॉर्म करने के बाद मुझे वो जो ग्लास स्लाइड मैंने जिसके ऊपर परफॉर्म की थी, तो उन्होंने मतलब मुझे लगा कि पहले बहुत सारे जने से बहुत ऐसे भीड़ हो गई थी, वो सर को दिखा रहे थे, कोई जाके बैठ रहा था, तो मुझे लगा कि अब सर नहीं देखेंगे शायद इतनी ही है, तो मैंने क्या किया, मतलब रिजल्ट आया और सर को दिखाया नहीं, वैसे ही जाके वॉश करके आ गई वाइवा के लिए। बाद में कैसे मतलब हमारा एक्चुअली मॉडर्न का अगर देखे ना फ्रेंड्स, तो 2 बार वाइवा हुआ था और आयुर्वेदिक पार्ट का बस 1 बार वाइवा हुआ था। तो मॉडर्न का पहले तो जो हमने परफॉर्म किया था तो वो जाके दिखाना था, उसके ऊपर सर क्वेश्चन पूछ रहे थे, और सेकेंड टाइम जो भी हमें मेन जो भी कुछ भी ऐसे पूछ रहे थे, जैसे कोई भी सब्जेक्ट का मॉडर्न से रिलेटेड कुछ भी ऐसे पूछ रहे थे, तो पहले तो मैंने ये नहीं किया था, बहुत मोस्ट ऑफ द जनों ने क्या किया था, 2-2 बार ऐसे जाके दिया था। मेरा भी वैसे 2 बार हुआ था वाइवा, तो उसमें पहले क्या हुआ था कि मैंने वो स्लाइड्स में इतना डर रही थी, यार मैं अभी डबल परफॉर्म करूँ क्या, ऐसा लग रहा था मुझे, तो मैंने साइड के सर से वो पूछा, तो सर ने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ऐसे होता है कभी कभी, आप इतना टेंशन मत लो। मेरा जब नंबर आया तो सर ने मुझे पूछा कि तेरा टॉपिक कौन सा है, तो मैंने बता दिया सर मेरा ब्लड ग्रुप आया था मुझे, तो सर ने मतलब वो उसके रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे ब्लड ग्रुप के रिलेटेड, और बाद में कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे मुझे नहीं आ रहे थे उसका आंसर, तो सर ने इतना ही बोला मुझे। अब सर ने ये बोला था कि ब्लड शुगर लेवल मतलब कौन से इसमें कम होती है, ऐसे कुछ केसेस बताओ, ऐसा मतलब सर को एग्जैक्ट कंडीशन बतानी थी, और बाद में बोल रहे थे कि RBC की जो साइज़ है उसमें कौन से अनिमिया में सबसे कम होती है, ऐसा मेगालोब्लास्टिक में ऐसे, मतलब सर को जो है ना स्पेसिफिक आंसर चाहिए था। अगर वो सर को नहीं मिला तो सर बोल रहे थे जाओ बेटा पढ़ के आओ और बाद में आके बताना। बाद में ऐसा करके मतलब मेरा तो 2 बार वाइवा हुआ था, और कुछ कुछ जैसे किसी किसी ने ऐसे जाकर आए थे ना, जैसे उनका स्पॉटिंग में भी हुआ था, तो उनका भी 2 ही बार वाइवा हुआ था। तो फ्रेंड्स सिंपली आपको क्या करना है, जो सेकंड वाइवा था तो फर्स्ट में तो कुछ ऐसा बोला नहीं था, बस जो नहीं आया तो वो पढ़ के आने के लिए बोला था, और उसके बाद में जब मॉडर्न का सेकंड टाइम जब वाइवा हुआ तो सेकंड टाइम में सर ने ऐसे जो भी पहले जो भी चीज़ें नहीं आई थी हमें वही पूछा कि मतलब आपको क्या पढ़ के आने के लिए बोला था मैंने ऐसे टाइप्स, मतलब इतना स्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहे थे लेकिन अच्छे से हुआ था वो फिर भी। तो सेकेंड टाइम जब हम गए तो उन्होंने जो भी हमें प्रैक्टिकल बुक हमने तैयार की थी वो पूरी सबमिट कर दी वहाँ पे, और उसके बाद में हमारा आयुर्वेदिक का जो प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट हो गया। तो आयुर्वेदिक में तो जो भी हमारा टॉपिक था तो उसका उसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो सर को अगर आपको प्रकृति सारता ये जो टॉपिक आए ना फ्रेंड्स उसके ऊपर अगर आपने बस एक श्लोक बोल दिया तो भी आपका वाइवा वहीं पे ख़त्म हो सकता है। मेरा ऐसा ही हुआ था, मैंने ऐसे प्रकृति का जो श्लोक स्टार्ट किया फर्स्ट से लेकर एंड तक, तो सर ने बोला ठीक है बेटा, और पूछा कि थ्योरी के पेपर वो कैसे गए हैं ऐसे वैसे, तो अच्छे से गए हैं ना यही पूछा, और वो पॉइंट जो मैंने बताए थे ना फ्रेंड्स आपको जो पॉइंट में मुझे ऐसे लिखना चाहिए था वो अच्छे से मैंने नहीं लिखे थे ना, थ्योरी
पूरा थेरेटिकल लिखा था, लेकिन सर को कैसे पॉइंट वाइज चाहिए था, वो एक मेरा प्रॉब्लम हो गया था फ्रेंड्स, वो अच्छे से याद रखना। और इतना मॉडर्न का कुछ है नहीं, तो आप जो भी प्रैक्टिकल है वो अच्छे से करके जाना, क्योंकि थ्योरी लिखनी पड़ती है उसकी, और मॉडर्न के भी मोस्टली आप श्लोक लर्न करो, वो बेटर रहेगा। थैंक यू।